Assalamu alaikum, this is Nabila Akeel from Ecoms on Business Center. Welcome back to our channel. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने नून के स्टोर पर किस तरह से ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं या अपने स्टोर पर हम ब्रांड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे सेलर्स या वर्चुअल असिस्टेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अकाउंट क्रिएट तो वो करवा लेते हैं लेकिन उन्हें उस पर अपने अकाउंट पर ब्रांड क्रिएशन का प्रोसेस नहीं आता या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हम इस वीडियो में इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो और आप अपना ब्रांड क्रिएट करने के काबिल हो और अपने स्टोर पर आप ब्रांड क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड नेम के साथ सेल करें। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिनके अपने ब्रांड्स हैं लेकिन उसके बावजूद वो अपने प्रोडक्ट्स को जेनेरिक में सेल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ब्रांड अप्रूवल लेना नहीं आ रहा होता या अपने स्टोर पर ब्रांड क्रिएट करना नहीं आ रहा होता। अगर आप पहले से प्राइवेट लेबल कर रहे हैं जेनेरिक नेम के साथ या आप अभी प्राइवेट लेबल करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने अकाउंट पर ब्रांड क्रिएट करें और अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड नेम के साथ सेल करें क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जेनेरिक प्रोडक्ट्स। उनका जो कस्टमर्स होते हैं उनका ट्रस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा होता है, ब्रांड्स पर वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ब्रांड क्रिएशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जैसे कि वेबसाइट का लिंक चाहिए होता है, किसी ब्रांड उस ब्रांड के किसी भी इमेज का यूआरएल चाहिए होता है और इसके अलावा ब्रांड नेम इंग्लिश और अरबिक में चाहिए होता है। सिर्फ ये कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हम जब ये सारी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद जो है इनकी वेरिफिकेशन की जाती है। जब ये अप्रूव हो जाते हैं तो हमें ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है और उसके बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पर लिस्ट करें, ब्रांड नेम के साथ उन्हें सेल करें बजाय इसके कि हम उसको जेनेरिक में लिस्ट करके सेल करें। तो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से ब्रांड अप्रूवल हम ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड नेम के साथ सेल कर सकते हैं। अपने नून के स्टोर पे ब्रांड क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली नून सेलर लैब के डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। यहाँ देखिए थ्री लाइंस शो हो रही हैं, इन लाइंस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें फर्दर यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कैटलॉग में, आगे मज़ीद जो है हमें ब्रांड मैनेजमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर अगर हमने अपना ब्रांड क्रिएट करना है अपने स्टोर पर तो हमें ब्रांड मैनेजमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए हमें एक डैशबोर्ड शो हो रहा है जहाँ पे आके हम अपने स्टोर पे ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आपको एक ब्रांड नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी जिसका हम अप्रूवल ले चुके हैं, हमने ये सारी रिक्वायरमेंट्स फिल की थी उसके बाद इसको हमने क्रिएट कर दिया था। तो कुछ टाइम पेंडिंग अप्रूवल आने के बाद जब इसकी वेरिफिकेशन हो गई तो ये अप्रूव हो गया और हम अब इस ब्रांड में अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो हमें नया ब्रांड क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट ब्रांड पर क्लिक करना होगा। ये सारी ब्रांड क्रिएशन के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले ब्रांड नेम हमें इंग्लिश में देना होता है, उसके बाद अरबिक में हमें ब्रांड नेम देना है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड वेबसाइट जो है उसका हमने यहाँ पे लिंक देना है। उसके बाद हमें ब्रांड की किसी भी प्रोडक्ट की जो इमेज है उसका यूआरएल यहाँ पे देना होता है, देन हम उसको क्रिएट ब्रांड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने ब्रांड का नेम लिखेंगे। हमने यहाँ ब्रांड नेम लिख लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे अरबिक में लिखना है इसलिए हमें यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेनी होगी। हमें यहाँ से ये नेम कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ हमने लैंग्वेज अरबिक सेलेक्ट करनी है ताकि हमें ये अरबिक नेम मिल जाए। उसके बाद यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमने अरबिक नेम भी इसका पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें ब्रांड वेबसाइट का लिंक देना है। यहाँ मैंने अपने जिस ब्रांड का मैं अप्रूवल ले रही हूँ मैंने उसकी वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पे देखें मैं इसका जो यूआरएल है ये लिंक है ये मैं कॉपी करूँगी यहाँ से, यहाँ पर मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूँगी। देन उसके बाद यहाँ पर किसी भी हमें इमेज का यूआरएल देना है जो कि उसी ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो हम उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे अगर हमें कोई कोई इमेज मिल जाती है उनके प्रोडक्ट की
मैं इसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज का यूआरएल भी पेस्ट कर दिया है। मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी इनकी ब्रांड क्रिएशन के लिए ये सारी मैंने यहाँ पे फिल कर दी नहीं है। उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगी। ये हमारा अप्लाई हो गया है। ये देखिए अभी जहाँ हमने जो इंस्टा बुक का अप्रूवल लिया है वो यहाँ हमें पेंडिंग में शो हो रहा है। इसका स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि इसको अभी हमने अप्लाई किया है तो इसको वेरीफाई होने के लिए तकरीबन 24 आवर्स लगते हैं। तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई, सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं, जैसे कि यूआरएल लिंक वगैरह ये सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं, तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड शो होगा। लेकिन अगर कोई एक भी चीज़ रिजेक्ट हो जाती है, मैच नहीं करती, तो यहाँ पे हमें रिजेक्टेड शो होगा। तो इस तरह से हम अपने ब्रांड का अप्रूवल ले सकते हैं अपने स्टोर से। तो हमारे पास अगर अपना ब्रांड है तो हमें अपनी प्रोडक्ट्स ब्रांड नेम के साथ सेल करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जेनेरिक में करें। ब्रांड अप्रूवल लेने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा ब्रांड अप्रूवल लेने का प्रोसेस कि हम अपने स्टोर पर किस तरह से ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं या अपने स्टोर पर किस तरह से ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, और अगर अभी भी आप लोगों को इसमें कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।